हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुपर एक्सपेरिमेंट। आज का वीडियो में कुछ नया होने वाले और आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाले, तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं बोल रहा हूँ यानी कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाले, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, कुछ नया सीखने को आपको मिलने वाला है। ठीक है, आज कुछ नया टॉपिक है। तो आज मतलब क्या होने वाला था, मैं आज बाहर वीडियो शूट करने वाला था। आपको पता होगा मैं ओडिशा से हूँ, तो ओडिशा में बारिश वगैरह हो रहा है, बारिश का सीजन है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, घर में शूटिंग वगैरह कर रहा हूँ। तो कुछ टाइम के बाद मैं बाहर शूटिंग करूँगा, तो बाहर वाले वीडियो में बहुत ही मजा आएगा, तो इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, चलो आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो के लिए आप देख सकते हो मेरे टेबल में तीन चार चीज़ें हैं, इसका जरूरत होने वाला है। ये रहा बेकिंग सोडा, और ये देख सकते हो पानी, पीने वाला पानी, और ये कुछ आइटम है। इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आपको खुद ही गेस करना है ये क्या हो सकता है। ठीक है, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस ग्लास के अंदर मैं डाल देता हूँ पानी को। देखा, मैंने पानी को डाल लिया इस ग्लास के अंदर, और इसको मैं साइड में रख लेता हूँ, क्यों फालतू का स्पेस खाएगा इधर। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ग्लोव्स पहन लेता हूँ। सेफ्टी इम्पोर्टेंट है यार, कुछ भी करो सेफ्टी पहले होना चाहिए। अपन तो आप लोग पता होगा कितने सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, बिना सेफ्टी के करेंगे तो यूट्यूब के एल्गोरिथम में नहीं होगा और हमारे लिए भी ख़तरनाक होगा। इसमें तो कोई ख़तरनाक वीडियो नहीं है, लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस वीडियो में। अरे भाई, तो गाइज मैंने पहन लिया है सेफ्टी ग्लोव्स। तो क्या करना है, अब देख सकते हो मैंने पानी ले लिया था पहले, और इसके अंदर इस केमिकल को मिलाना है। इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, आपको खुद ही गेस करना पड़ेगा। ये देख सकते हो कितना सील है, इसको मेरे को खोलना पड़ रहा है। Few moments later. फाइनली कुछ मेहनत के बाद इसको मैं खोल लिया, और इसको क्या करते हैं, इसको मैं ले लिया पानी के अंदर। अब देख सकते हो, और कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा हो तो थोड़ा पास में आ जाओ। अब देख सकते हो इसमें कम से कम मैंने ले लिया तीन। अरे आजा भाई, बाहर निकल जा, इतना काफ़ी है। इसको क्या करता हूँ, अच्छे से मैं मेल्ट कर देता हूँ। इसको रख देते हैं बाहर, साइड में रख लेते हैं। इसको मैं अच्छे से मेल्ट कर देता हूँ। अब देख सकते हो एक पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। ठीक है, और जो बाकी बचा था वो नीचे बैठ गया है, मतलब जितना पानी के साथ मिलना था वो मिल गया, और जो बाकी रह गया वो नीचे बैठ गया। तो हो गया हमारा, और अभी क्या करना है, अब देख सकते हो ये बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा जो खाने वगैरह में यूज किया जाता है पकौड़े बनाने के लिए, और इसको क्या करना है, इसके अंदर हमको डालना है, थोड़ा सा डालना है। अभी देखो मैजिक क्या होता है, आपने देखा क्या हो रहा है, अच्छे से देखो यार, बहुत मज़ा आ रहा है, और कैसे बुलबुले निकल रहे हैं। अरे भाई क्या, कौन सा गैस निकल रहा है, इसे दूर होना पड़ेगा थोड़ा मेरे को। देखो मैं जितना डाल रहा हूँ उतना रिएक्शन हो रहा है, इसे कुछ फ्यूम्स निकल रहे हैं, और ये स्मेल करने में कुछ दिक्कत हो रही है मुझे, गंदा फ्यूम्स निकल रहा है इससे। देख सकते हो अभी भी ये रिएक्शन कर रहे हैं। देखो अभी इसको क्या करेंगे, एक नए तरीके से करते हैं। ये रहा बोतल, इसके अंदर मैं ले लूँगा पानी, और ये रहा एक बैलून, बैलून के अंदर मैं क्या कर लूँगा, सारा बेकिंग सोडा इसके अंदर डाल लूँगा। उसके बाद क्या करूँगा, इस मिक्सचर को पानी के साथ मिला के इसके अंदर पहले से रख दूँगा। उसके ऊपर ये जो बेकिंग सोडा होगा इसके अंदर, बैलून के अंदर, इसको को इससे लपेट दूंगा, सारा बेकिंग सोडा अंदर चला जाएगा, तभी होगा रिएक्शन। ठीक है, चलो इसको ट्राई करते हैं। तो गाइज इसके अंदर मैं पानी को डाल लेता हूँ, अब देख सकते हो सारा पानी को मैं डाल लेता हूँ इसके अंदर, बस इतना काफ़ी होगा मेरे ख्याल से, बहुत डाल दिया मैंने, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या करना है, ये जो खुफिया केमिकल है इसको अंदर डालना है। आपको गेस करके बताना है, आपका टैक्स है ये क्या है, मेरे को जल्दी से बताना कमेंट करके। थोड़ा सा और डाल लेते हैं, स्वाद अनुसार मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, बहुत डाल लेते हैं, जितना मिलेगा मिल जाएगा, और जो बाकी रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, इसको बंद कर दिया मैंने, इसको
साइड में रख लेता हूँ, ठीक है। अभी आता है मेन चीज़, इसको क्या करेंगे अच्छे से हिला लेते हैं, सारा मेल्ट कर लेते हैं इसको। तो गाइस मैंने इसके अंदर सारा बेकिंग सोडा को इसके अंदर डाल लिया है, ठीक है। अभी क्या करना है, इसको नीचे रख लेता हूँ। और ये रहा हमारा केमिकल, ठीक है। इसके अंदर क्या करूँगा, अरे भाई ये थोड़ा ऐसे ऐसे हो रहा है, इसको मैंने ऐसे रख दिया और सारा बेकिंग सोडा को इसके अंदर में डाल लेता हूँ। आप जो देख सकते हो ये बैलून फूलने लगा है, मेरे ख्याल से फूट भी जाएगा। अरे भाई देखा, ये बैलून फूलने लगा है। आप लोग देखो नीचे कैसे रिएक्शन हो रहा है, और बैलून को देखो। थोड़ा और भी बचा है, इसको अंदर डाल लेता हूँ मैं। अभी रिएक्शन मेरे ख्याल से ख़त्म हो गए। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको बाहर बाहर निकल लेता हूँ। अरे भाई जा भाई, तू नीचे ले जा। आपको एक बात बोलना था, एक आपको एक हिंट देता हूँ। ये जो गैस है ना, ये है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। और मैंने क्या मिलाया, बेकिंग सोडा। लेकिन ये केमिकल के बारे में आपको नहीं बताऊँगा, ये आपको खुद ही गेस करना है ये क्या हो सकता है। मतलब क्या मिलाने से कौन सा, मतलब ये भी लिक्विड भी नहीं था ना, क्रिस्टल था, क्रिस्टल। ये कौन सा क्रिस्टल था जो मिलाया मैंने और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। आपका यही टैक्स है मतलब क्या बोल रहा है, मैं कोई टीचर हूँ आपको बोल रहा हूँ टैक्स वगैरह, ऐसा कोई नहीं है। बस वीडियो को लाइक करना, ठीक है, गेस करके बताना ये क्या हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलो इसको फोड़ लेते हैं, ठीक है। ये है सारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये फूट ही नहीं रहा यार बहुत अरे देखा, सारा कार्बन डाइऑक्साइड था। बताना जरूर कमेंट करके, मैं मिलता हूँ आपको और एक नेक्स्ट वीडियो में।